एक और अहम हलका, एक और अहम नतीजा एनए 122 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,70,109 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर हार गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है एनए 122 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,70,109 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट ले सके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नतीजा है ये, क्योंकि साद रफीक मुतअद्दिद मर्तबा एमएनए रह चुके हैं, नेशनल असेंबली की सीट जीत चुके हैं और ये 14 जो सीटें हैं लाहौर की उनमें से इंतहाई अहम हल्का माना जाता। लतीफ खोसा की बात करें तो यूं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीजन रहनुमा रह चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से राहें जुदा होने के बाद, अलहदा होने के बाद पहली बार वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुकाबला कर रहे थे ख्वाजा साद रफीक का, जिनकी रिवायती तौर पर यहाँ से जीत यकीनी मानी जा रही थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ख्वाजा साद रफीक ये नशिस्त नहीं जीत सके। उनके मुकाबले में कंपैरेटिवली अगर हम कहें एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लतीफ खोसा ये नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए हैं। और जबरदस्त ये नतीजा इस हवाले से रहा कि जो लीड है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों हैवी वेट थे। ख्वाजा साद रफीक की बात करें तो जाहिर है वो एक ऐसे पॉलिटिशियन इस हल्के से रहे जिनकी जीत यकीनी मानी जा रही थी। लतीफ खोसा ये नशिस्त जीत गए हैं 1,17,109 वोट के साथ, और ये वो लाहौर का हल्का है जो हल्का माना जाता है, पॉश एरिया माना जाता है, यहाँ से ख्वाजा साद रफीक ये नशिस्त हार गए हैं।